बिग बॉस फेम गौहर खान टीवी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। बिग बॉस 7 जीतने के बाद से ही गौहर हर सीजन में गेस्ट के तौर पर नजर आती हैं। सीजन 14 में गौहर ने सिद्धार्थ शुक्ला और हिना खान के साथ तूफानी सीनियर बनकर शो में एंट्री की थी। गौहर बिग बॉस की बड़ी फैन हैं और वो कभी भी ये शो मिस नहीं करती हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। बिग बॉस OTT के बारे में बात करते हुए गौहर ने स्पॉट बॉय को बताया, मैं शो देख रही हूँ, मैं बिग बॉस मिस नहीं कर सकती हूँ। किसी को पसंद या नापसंद करने के लिए ये बहुत जल्दी है, लेकिन मुझे इस सीज़न में एक बात बहुत ही फनी लग रही है कि हर कोई प्रतीक को विलेन दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो विलेन नहीं है, वो काफ़ी कूल हैं और पहले ही हफ्ते में उन्होंने अपनी मौजूदगी का सबको एहसास कराया है। गौहर ने आगे कहा, मुझे ऐसा लगा कि हर कोई वूमन कार्ड खेल रहा है कि लड़कियों के साथ बदतमीजी नहीं करो, औरत से ऐसे बात मत करो, लेकिन वही चीज़ें घर की लड़कियों को नहीं बोली जा रही हैं। औरत चीखेगी, चिल्लाएगी या गाली देगी तो चलेगा। गौहर ने आगे कहा, उन्हें दिव्या रिद्धिमा और शमिता ने भी गंदा बोला है और गालियाँ दी हैं, लेकिन प्रतीक ने अभी तक किसी को गाली नहीं दी है और किसी के फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। मैं जानती हूँ किसी को जज करना अभी बहुत जल्दी होगा, लेकिन पहले हफ्ते की बात की जाए तो उसने अच्छा किया है। एपिसोड में अक्सर करन्नाथ प्रतीक पर चिल्लाते हैं कि बदतमीजी कम कर, आवाज़ कम कर, लेकिन लड़कियाँ भी बराबर ही चीख रही हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता है। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लगी।